रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हैं। घटना तब हुई जब शादी समारोह से लौट रहे लोगों का ऑटो ट्रक से आमने सामने टकरा गई। टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मामला जीएन शहर कोतवाली क्षेत्र में राजघाट पुल के पास का है, जहां लालगंज थाना इलाके के जगतपुर भिजकौरा निवासी कुड़ाल अपनी पत्नी, बहन, बच्चों और रिश्तेदारों को लेकर शहर के मलिक मऊ गांव में शादी समारोह में आया था। शादी समारोह में शामिल होने के बाद सभी लोग ऑटो से अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे सभी 7 लोगों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ कुड़ाल पुत्र नन्हे उम्र 35 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। 2 बच्चों की हालत गंभीर है, जिसे देखते हुए एम्स रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। ये हमारे पास घायल अवस्था में 6 लोग आए हैं। ये राजघाट के पास बताया जा रहा है कि कोई ऑटो और डीसी में टक्कर हो गई है, जिसमें 6 लोग गंभीर अवस्था में घायल हो गए तथा एक की जिसमें मृत्यु हो गई है। अभी 6 लोगों को भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है।